नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत। खाने के साथ सब्जियां चाहे कितने भी खा लें, जब तक छाछ दही रहता कोई ना हो तो गर्मियों में रोटी खाई ही नहीं जाती। तो इसी के लिए हम आज बना रहे हैं मखाने का शाही रायता। के लिए पहले हम पैन गरम कर लेते हैं और उसमें एक कटोरी मखाने डाल देंगे और इनको हम ड्राई ही रोस्ट करेंगे, घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो इनको जैसे ही हम उठाकर फोड़ेंगे तो देखिए एकदम से टूट रहे हैं। मखाने हमारे ठंडे हो रहे हैं और हमने ये लिया है एक बड़ा प्याला भर के दही का। इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। इससे ये थोड़ा सा पतला भी हो गया है और हमें ऐसी कंसिस्टेंसी ही चाहिए क्योंकि मखाना और सामान डालने से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। मखाने भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हम जो थोड़ा बहुत काला वाला दिखता है, थोड़ा थोड़ा काला कहीं से, तो निकाल दीजिएगा। और इसमें मखाने हमने डाल दिए हैं। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और अच्छी डाइट है ये, जो डाइटिंग करते हैं वो भी इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। इसमें अब डालेंगे हम एक चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे पिसी हुई चीनी, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा अनार के दाने डालेंगे। ये हमने हाफ सेब लिया है, सेब को कद्दूकस कर लिया है हमने, इसमें हाफ सेब भी डालेंगे। एक चम्मच सब्जा सीड डालेंगे, ये हमने पहले से भिगो कर रखे थे, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम काली मिर्च और डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची। जब रायता शाही बना रहे हैं तो तड़का भी शाही ही लगेगा उसमें, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसमें डालेंगे हम एक चुटकी भर जीरा और काजू के टुकड़े और साथ में किशमिश। इनको बहुत फ्राई नहीं करना है, बस कच्चापन ही निकालना है इनका। किशमिश फूल गई है और काजू भी सिक गए हैं। अब इसे तड़के को निकाल लेते हैं। तो ये हमने तड़का लगा दिया है। तो देखिए हमारा मखाना शाही रायता रेडी है। इसको अब हम गार्निश कर लेते हैं थोड़ा अनार से। डालेंगे पुदीना पत्ता डालेंगे। तो आपको मेरी ये रायते की रेसिपी कैसी लगी? ये हमारा मखाना शाही रायता रेडी है। इसे पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।